Assalamualaikum. Welcome to Cooking with Anjum Shahid channel. Viewers, मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं और आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ स्पेशल डोनट्स की, आप लोगों के लिए स्पेशल। अपने किचन में बना रही हूँ डोनट्स और साथ साथ हमारा दोपहर का खाना भी बन रहा है, उसकी भी प्यारी प्यारी जो है वो आवाज़ आ रही है खाना बनने की, ऑयल फ्राई होने की। तो अब हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं डोनट्स के। एक हम लेंगे हाफ किलो हम लेंगे मैदा, वो ग्रामेज में हम लेंगे 500 ग्रामेज। उसके बाद है यीस्ट, हमारे पास है 15 ग्राम यीस्ट हमने ली है 15 ग्राम और इकरा पाउडर है हमारे पास 7 ग्राम, वो हम लेंगे 1 टीस्पून। अंडे लेंगे हम 2। ऑयल है हमारे पास 40 ग्राम, ये तकरीबन हो जाएगा 8 टेबलस्पून। आइसिंग शुगर है 60 ग्राम। आप ये ख्याल रखें कि 1 टेबलस्पून में जो है वो 12 ग्राम होते हैं, तो आप उसके हिसाब से आप खुद मैयर कर लें। ड्राई मिल्क है हमारे पास ये 100 ग्राम। नमक हम लेंगे 5 ग्राम और इलायची जो है वो हमने पीस के रखी हुई है ये हमारे पास 2 ग्राम है। और पानी जो है हमारे पास है वो 170 ग्राम है। इन सब चीज़ों को इकट्ठा मिक्स करके हमने गूंद लेना है। तो चलते हैं, हम इसको गूंदते हैं। अब हम सारी चीज़ें इसमें डाल रहे हैं, यीस्ट, इका पाउडर, ऑयल डाल दिया, अब हम ड्राई मिल्क डाल रहे हैं, ये नमक, इलायची लेके मैंने इसको जो है बारीक पीस लिया था, आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। अभी हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, पानी फिर हम आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। अभी थोड़ा सा पानी लेंगे, इसको हम आटे की तरह हम जरा सरसा पेड़ा बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसे गूंदेंगे। अब जितनी देर में हम ये डो गूंद रहे हैं उतनी देर में हम ये शुगर सिरप तैयार करेंगे। 1 कप हमने इसमें चीनी ली है और 1 कप भी हम पानी लिया है और इसमें इलायचियां 1-2 इलायची आप डाल दें और इसको हल्की आंच पे रख देंगे। जितनी देर में ये आटा हमारा गूंदेगा ये शुगर सिरप हमारा रेडी हो जाएगा। अब बाउल में से हमने पेड़ा जो है वो बना के अब हम इसको स्लैब पर गूंदेंगे। आप आटे वाले थाल में भी गूंद सकते हैं। डो हमारी स्मूथ हो गई है, देखें इसको अच्छी तरह हमने गूंद लिया है। अब हम इसका पेड़ा बना के इसको हम जो है 15 मिनट्स के लिए कवर करके इसको बाउल में रख देंगे। इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे। अब हमने जो है इसको क्लिंग रैप से या आपने प्लास्टिक शॉपर है तो उससे रैप करके आप टाइट करके इसको 15 मिनट्स का इसको स्टे दें और इसको किचन में ही रख दें। व्यूअर्स देखें, डो राइज हो गई है। अब हम इसको जो है यहाँ से निकालेंगे और हमने इसके इक्वल साइज के हम मैयर करके एक जितने साइज के पेड़े बनाए। ट्रे में जो है मैदा हल्का सा छिड़कें ताकि जब हम डोनट्स बना के इस पे रखें तो वो चिपके ना ट्रे पे। हमने एक जैसे पेड़े लिए हैं, वेटेज मैंने किया है वो 50-50 ग्राम का है। इनको पेड़ा बनाते हैं और ट्रेस पे जो है ना ऐसे दूर करके रखते जाएं, इस तरह थोड़े गैप से रखें क्योंकि हमने इसको दोबारा स्टे देना है और ये पेड़े जो है ये दोबारा जो है ये राइज होंगे, इसमें गैप रखना है। अब इन पेड़ों को आपने हल्का सा ऐसे हथेली से हल्का हल्का प्रेस करते जाना है। अब ये डोनट्स जो है मेरे 3 कम से कम ट्रेज में मैंने खुले खुले करके रखे हैं और इनको आपने रैप करके रख देना है एयर टाइट करके। तीनों जितने भी आपकी ट्रे
फ्रेज में हो। हाँ जी, ये देखिए हमने इसको कवर करके रख दिया है ट्रे को, और ये हम इसे एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए कवर करके रखेंगे। 20 मिनट का स्टे हमारा पूरा हो गया है। ये देखेंगे डोनट्स की डो जो है ये राइज हो गई है। अब हम इसे ये कटर, छोटे वाले कटर से सेंटर में इसके सुराख करते जाएंगे। ऑयल जो है आपने ध्यान करना है कि बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो, तो वरना ये फौरन ही जो है ना जल जाएंगे। ये हम ऐसे निकालते जाएंगे इसमें से, और चार डोनट हम कट्ठे ही डालेंगे ताकि वो कट्ठे ही जो है ना फ्राई हो जाए। और उधर से हमने हमारा सिरप रेडी हुआ हुआ है, वो हमने हल्की आंच पे रखा हुआ है ताकि वो गरम गरम जो है उसी में हम डोनट जो है वो डालते जाए। अब हम इसको फ्राई करने के लिए रख देंगे, और हमने इसकी फ्लेम जो है वो ज्यादा हाई नहीं रखनी। ज्यादा हमने डार्क नहीं करना, और इसी तरह ही हम इसको गरम गरम जो है हम इसको शुगर सिरप में डिप कर लें। अब हम इसको शुगर सिरप में डालते जाएंगे, और निकाल निकाल के दूसरी अलग प्लेट में हम रखते जाएंगे। अब इसकी सॉस के लिए एक प्लेट में हमने जो है एक बाउल में, या आप किसी भी कटोरी में जो है ये व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट किया, एक डोनट को हम व्हाइट चॉकलेट में जो है डिप करेंगे। डोनट हमारे रेडी हैं। अब हम जो है इसको सॉस में डिप करने के लिए व्हाइट चॉकलेट मेल्ट की है, इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला है, इसमें कोकोनट भी डाला है हमने क्रश किया हुआ, इसमें डिप करेंगे, और एक को हम जो है वो चॉकलेट में डिप करेंगे। ये चॉकलेट सिरप है, दूसरे को हमने चॉकलेट सिरप में डिप किया है, और इसको हमने व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट करके उसमें डिप किया है। अब हम इस पर कोकोनट पाउडर, और कोकोनट पाउडर में थोड़ा सा रेड कलर जो है वो हमने ऐड किया है डेकोरेशन के लिए। अब इस वाले डोनट पे हम स्प्रिंकल्स डालेंगे। आप चाहें तो कोकोनट पाउडर सिंपल वो भी आप डाल सकते हैं। लीजिए व्यूअर्स, हमारे मजे के जो है वो चॉकलेट सिरप में डिप हुए हुए डोनट्स रेडी हैं। और आप यकीन करें, मैंने एक टेस्ट करके देखा है, ये इतने मजे के और सॉफ्ट हैं कि खाते ही जो है वो मजा आ गया। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, और कटिंग करते वक्त आप जब डोनट को फ्राई करें तो उस वक्त ख्याल करें कि जैसे ही आप उसमें बीच में से होल कट करें, फौरन ही उसी वक्त आप उसको फ्राई करें। ले जी व्यूवर्स, दो तरह की डिफरेंट स्टाइल की हमने ये डोनट्स बनाए हैं, ये वाइट चॉकलेट में डिप करके भी, और उसमें कोकोनट पाउडर और कलर जो है हमने उसका फ्लेवर दिया है, और चॉकलेट सिरप में डिप करके भी डोनट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और यू हैव टू ट्राई दिस रेसिपी एट होम। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।